हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। आज मैं आपको वो आपने वीडियो देखी थी ना, वो ताज कुतरे वाली जो उनसा ब्रीडिंग के लिए पेड़ लगाया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको प्रॉपर इस मादी का शौक कराया जाए, तो आपको फिर पता चले ये मुश्किल मादी है जी। तो दोस्त ने भेजी है ब्रीडिंग के लिए, तो अंडे शंडे लेने के लिए, तो अंडे लेके उसको वापस करेंगे। तो उससे पहले फिर आपको ज़रा इसका शौक कराया जाए। तो दोस्तों आप मादियाँ बहुत सारी देखते हैं, ठीक है, हर इंसान की अपनी एक पहचान है, अपना एक टेस्ट है, वो उसको अपने नज़रिए से देखता है, हर किसी की अपनी एक पसंद होती है। तो हमारा एक अपना एक तरीका है, मादी की आंख साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, आप मादी पसंद करते हो ब्रीडिंग के लिए, तो मादी की आंख साफ़ होनी चाहिए, रिंग वाली होनी चाहिए, ठीक है, लाल डोरे होने चाहिए उसमें, चेहरा खिंचा होना चाहिए, गोल चेहरा भी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन खिंचा हुआ चेहरा जाहिर सी बात है फिर बच्चे आपके खिंचे चेड़े के आएंगे। तो गर्दन शर्दन मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, मादी की लाम अच्छी होनी चाहिए, नली अच्छी होनी चाहिए, पल्ला अच्छा होना चाहिए, जो आपको आगे सेलेक्ट करते हुए आप अपने नर के हिसाब से, तो उस लिहाज से, तो ये आप शो करें फ्रेंड्स। ये देखिए, चेहरा देखें, आंख फोकस हो रही है, आंख की शफाफियत चेक करें, चेहरा देखें कितना लंबा चेहरा है, आंख का जो सा काला तिल है वो काला तिल कितना नुमाया और छोटा, ये देखिए, मोरा चेक करें मादी का, ठीक है, प्योर मुश्की है, प्योर मुश्की। परों को मैंने टेप लगाई हुई है क्योंकि ये दीवार पे चढ़ के तो पीछे प्लॉट में चली जाती है, तो खुदा ना खास्ता, आपको पता है कि लोग बड़े शिकारी होते हैं तो वो पकड़ के गायब कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता। तो ये देखें, नलियां चेक करें जी, प्योर चोरस नली है, प्योर चोरस नली, फोकस हो जाएगा तो आपको क्लियर नजर आएगी। ये मादी की शेप शुप बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, इसको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। इसके साथ अब आपको नर का भी शौक कराते हैं पकड़ के प्रॉपरली, ठीक है जी फ्रेंड्स। ये नर लगाया हुआ उसके साथ, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था चेहरे शेरे की और आंख की, तो ये चीज़ें आप देखा करें, रंग का कोई मैटर नहीं है, जौन सा मर्जी लगाओ, पर जौन सा है आप चेहरा शेरा उसी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, चेहरा नोक नली आपकी मिलती हो ताकि आपको आगे बच्चे आपके मतलब के मिल सकें। तो चेहरे का शौक करें आप इसके, तो वो इसके रिंग आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। रोक के रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर उसकी क्वालिटी नज़र आ जाए। देखने में उस्ताद फ्रेंड्स ये टरला सा लगता है आपको, ठीक है, लेकिन ये दो टाइम का मारू है, ठीक है, तो इसमें कुछ तो कुछ ना कुछ तो खासियत है, ठीक है, जोन सा ये दो टाइम का मारू बना, दूसरी दफ़ा ये छुट्टी में ही काणा हो गया था, तो इसलिए फिर आगे इसको लड़वा नहीं सके हम, तो
ये देख रहे हैं नलियां चेक करें इसकी, चौरस नली है, लंबी उंगलियां, ठीक है, पल्ला बहुत बड़ा है इसका, ठीक ठाक पल्ला है इसका, ये नर लगाया। तो ये पेयर था जो हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप वो पेयर सेलेक्ट करें जो आपको पसंद है, ठीक है, और आगे आपको फिर वही बच्चे, उस टाइप के बच्चे आपको मिलते हैं, तो फिर आप कहते हो कि वाकई मेरा पेयर जो है ना सेलेक्ट हुआ था अच्छा है, तो बच्चों में भी रिजल्ट अच्छा आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पेयर आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।